बसमिल रहीम टुडे आर टॉपिक इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड केमिकल मीडिएटर्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन से पहले वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन डेफिनेशन इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इंटेंडेड टू एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी एज वेल एज द नेक्रोटिक सेल्स एंड टिश्यूज रिजल्टिंग फ्राम औरल इंसल्ट मतलब के जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इंजरी उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन इसके बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों इफेक्ट्स होते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट ये होगा कि हम कॉज ऑफ इंजरी को रिमूव कर लेंगे और हार्मफुल इफेक्ट इसका ये है कि सेल का नॉर्मल फंक्शन या तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा या कुछ टाइम के लिए सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता

इट इस सब सीक्वेंट एंड ऑफन प्रो लॉन्ग टिश्यू रिएक्शंस फॉलोइंग इन इनिशियल रिस्पॉन्स मतलब कि इंजरी के बाद काफ़ी देर के बाद ये प्रोड्यूस होगा रिस्पॉन्स और यह लॉन्ग लास्टिंग होता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स एंड ईओसिनोफिल्स फर्स्ट जो सबसे पहले सेल आएंगे विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स वो हैं न्यूट्रोफिल दैन मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेज इन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स थर्ड वन इज लिम्फोसाइट एंड फोर्थ वन इज ईसिनोफिल

विद दी हेल्प ऑफ दिज सेल्स जो कॉज होगा उसको रिमूव किया जाएगा फोर्थ इज रेग रेगुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्स फिफ्थ इज रेजोलूशन मतलब सेल दोबारा नॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा बट इन सम केसिस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सेल दोबारा नॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जाता कॉजिस ऑफ एक्ट इन्फ्लेमेशन माइक्रोबियल इन्फेक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस फिजिकल एजेंट्स केमिकल्स एंड टिश्यू नेक्रॉस क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्ट इन्फ्लेमेशन ये हमारे पास फोर कार्डिनल साइंस होते हैं ये मस्ट होते हैं एट द साइट ऑफ एक्ट इन्फ्लेमेशन रूबर मीन रेडनेस दिस इज़ ड्यू टू वेस्कुलर डायलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो सेकेंड इज द कॉलर मीन हीट जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और वेस्कुलर डायलेशन की वजह से वहाँ पर एक्जूडेट या ट्रांजुडेट बनना शुरू हो जाएगा वहाँ पर हीट भी होगी थर्ड इज़ पेन ड्यू टू द प्रेसर ऑन द नर्व एंडिंग्स फ्राम द स्वेलिंग एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ केमिकल मीडिएटर रिलीज ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी कि जो एग्जूडेट बन रहा है उसके बाद वहाँ पे कीमोटैक्सिस की वजह से कुछ केमिकल मीडिएटर्स जमा हो जाते हैं वहां पर पे पे पेन होगी फोर्थ इज द स्वेलिंग यानी ट्यूमर ड्यू टू द एक्मोलेशन ऑफ एक्जूडेट पर्टिकुलरली फ्लूड पार्ट फिफ्थ इज द लॉस ऑफ फंक्शन देन इन दिस वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूड फॉर्म एग्जूडेट एंड ट्रांजूडेट The main difference between exudate and transudate is, in exudate we have the specific gravity more than 1.012. In transudate it is less than 1.012. इसके पीछे वजह ये है कि exudate में proteins भी होते हैं और transudate में proteins नहीं होते. Second difference exudate में आपको RBCs मिलेंगे, transudate में RBCs नहीं होते. टाइप्स ऑफ द सेल न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाट लिफोसा केस ऑफ ट्रांस्यूडेट और फिर काजिज ट्रांसुडेट कॉज कर सकते हैं जिनमें ट्रांसुडेट बनता है उनमें बैक्टीरियल इंफेक्शन ट्यूबर कलोसिस एंड मिलिग्नेंसिज मिलिग्नेंसीज मीन एनी टाइप ऑफ द कैंसर ट्रांसुडेट कार्डियर कंजेस्टिव फेलियर सिरोसिस एंड नेफ्रोटिकोम इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन वेस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स In vascular vent, there is change in the vascular flow. Secondly, change in the vascular permeability. On the cellular changes, there will be margination and rolling. Second is adhesion and transmigration. Third is migration in interstitial fluid towards the chemotactic stimuli, Ye chemotaxis Fourth one is the phagocytosis. Vascular changes. Number one is changes in the vascular flow and caliber. Second is increased vascular permeability. हमारे पास वास्कुलर फ्लो जब होता है इमीडिएट ऑनसेट सेट रिस्पॉन्स होता है हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन का ये थोड़ी देर के लिए होगा लेकिन एकदम जो रिस्पॉन्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आता है वो वेजो कंस्ट्रक्शन का होता है इट विल बी फॉलोड बाई वेजो डायलेशन मतलब जो वेजल्स होंगी उनका जो कैलिबर है वो ज़्यादा हो जाएगा देन थर्ड इज द इंक्रीज ब्लड फ्लो विच कॉज द हीट एंड द रेडनेस फोर्थ इंक्रीज पर्मिएबिलिटी ऑफ माइक्रो विद द आउट पोरिंग ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूड इन टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड ये जो वेजोडाइलेशन हुई है इसकी वजह से जो एंड्रोथीलियल सेल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं उनके बीच में जो गैप्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से फ्लूड बाहर की तरफ वजल से बाहर चला जाता है देन इंक्रीज पर्मिबिलिटी ऑफ वजल लीडिंग टू द स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन स्टेसिस देन वी हैव पेरीफ्रल ऑरिएशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स Principally neutrophil along the vascular endothelium, leukocyte margination, leukocytes stick to endothelium. At the end, we have leukocyte migrate through the vascular wall into the interstitial tissues. Vascular dilation and acute inflammation. Normally, most of the capillary bed is closed down by precapillary sphincter, but in acute inflammation, the sphincters open, causing the blood to flow through the capillaries. Vascular change. may first step. वेजो कंस्ट्रक्शन उसके बाद आती है वेजोडाइलेशन इसकी वजह से क्या होगा फर्स्ट वी विल हैव इंक्रीज वेस्कुलर पर्मीएबिलिटी लीडिंग टू द एस्केप ऑफ अ प्रोटीन रिच फ्लूड एक्जुडेट इंटू द इंटरस्टिशियम इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद वेजो डाइलेशन होगी इस वेजो डाइलेशन की वजह से जो फ्लूड है वो वेजल्स में से निकल के इंटरस्टिशियम में चला जाएगा और इस फ्लूड को हम एक्जुडेट कहेंगे बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन भी होंगी

Third is increased hydrostatic pressure owing to vasodilation lead to the marked outflow of the fluid and its accumulation in the interstitial tissue. Then we have cellular events. Leukose, first is leukocyte extravasation. Second is the leukocyte phagocytosis. In this we have steps margination and rolling. Then there is adhesion. Third is transmigration. Fourth is chemotaxis. And then at last we will have फेगोसाइटोसिस इन सेलूलर इवेंट फर्स्ट व्यू विव मारजिनेशन एंड रोलिंग नॉर्मल लेमिनार ब्लड फ्लो अरेथरसाइड्स आर कन्फाइंड टू आर सेंट्रल एक्ज कॉलम डिस द्यूकोसाइड टूअर्ड द वॉल द वजल जो नॉर्मल हमारे पास ब्लड फ्लो होता है इन द वेजल वो इस तरह से है कि जो आर बी सीज़ हैं वो सेंटर में फ्लो करते हैं और पेरी फ्री की तरफ हमारे पास डब्ल्यू बी सीज होते हैं बट ड्यू टू वेजोडाइलेशन जो आर बी सीज हैं वो पेरी फ्री के साथ जो वॉल है वॉल ऑफ द वेज़ल है या पेरी फ्री है वहाँ पे आके मार्जिन बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि फ्लूड जो वॉल के साथ था वो मूव आउट कर चुका है टुवर्ड्स इंटरस्टिशियम नाउ आर बी सीज़ वॉल्स के साथ मार्जिन बनाएंगे एंड इन सम केसेस तीस आर बी सीज़ विल स्टिक टुगर एंड फॉर्म द स्मॉल क्लम्पस जिनको हम रोलिक्स कहते हैं और इसकी वजह से रोलेक्स फॉर्मेशन या मार्जिनेशन की वजह से आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज को पेरीफ्री या वॉल ऑफ दी वेजल के साथ पुश कर देंगे जो मार्जिनेशन का प्रोसेस है ये सिलेक्टेंस की वजह से होता है सेलेक्टेंस आर एक्चुअली द मोडिफाइल ग्लाइकोप्रोटीन। इनकी जो सेलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बेस पर इनके डिफरेंट नाम भी हैं सेलेक्टेड इन एंडोथ पी सेलेक्टेड इन एंडोथ एंड प्लेटलेट थर्ड इज़ एल सेलेक्टेड दैन हमारे पास जो आगे स्टेप होते हैं आफ्टर मार्जिनेशन एंड रोलिंग वी विल हैव एडिजन एंड ट्रांस माइग्रेशन एडिजन का मतलब ये होता है ल्यूकोसाइट का एंडोथीलीम के साथ अटैच होना और ट्रांस माइग्रेशन का मतलब ये होगा जो ल्यूकोसाइट एंडोथीलीम के साथ अटैच हुए हैं दे विल मूव आउट इंटू द इंटरस्टिशियम The leukocyte adhesion and transmigration are determined by two important factors adhesion molecule present on the surface of leukocytes and endothelium surfaces, second is chemical mediator, chemotractin, and certain cytokines, which modulate the surface expression and avidity of such adhesion molecule. Adhesion molecule may have a second is immunoglobulin superfamily, third is integrin, and fourth is mucin like glycoprotein. वट आर इंटैग्रेंस एंड ट्रासब्रेन ए डिजर्व गोप्रोटीन सेकेंडली दे आर मेड अप ऑफ एल्फा बीटा चें थर्ड ऑल्सो वर्क एज ए रिसेप्टर फॉर एक्सट्रा सेलूलर मैट्रिक्स एम्यूनोग्लोबुल सुपर फैमिली टू टाइप ऑफ एंडोथीलियम आई कैम वन एंड वी कैम वन लाइग फॉर इंटेगरेंस एंड ल्यूकोसाइट मतलब ये हेल्प करते हैं ल्यूकोसाइट को एंडोथीलियम के साथ अटैच करने में देन वी विल हैव म्यूसन लाइक गाइकोप्रोटीन इसमें हेपरिन सल्फेट लाइगेंट फॉर ल्यूकोसाइड फाउंड ऑन ईसीएम एंड सेल सर्फिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ई सी एम मीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देन वी विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज वेन दीज सर्टन टाइप ऑफ एडिजन मॉलिक्यूल्स आर एबसेंट द मोस्ट टेलिंग प्रूफ ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एडिजन मॉलिक्यूल is the expression of clinical genetic deficiency in the leukocyte adhesion protein these deficiencies are characterized by impaired leuk leukocyte adhesion and recurrent bacterial infection type of leukocyte adhesion molecule deficiency type 1 and type 2 then types of immigrating leukocytes the type of immigrating leukocyte varies with the age of inflammatory lesion second is the type of stimulus second point इन द मोस्ट फॉर्म ऑफ एक्ट इन्फ्लेमेशन न्यूट्रोफिल प्री डोमिनेट इन द इनफ्लेट्री इन्फिल्ट्रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट सिक्स टू ट्वेंटी फोर आवर जब हमने टाइप ऑफ सेल पढ़े थे कि इन्फ्लेशन में कौन कौन से सेल होते हैं वहाँ पर मैंने ये पॉइंट बताया था कि सबसे पहले जो सेल अराइज करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेमेशन वो है न्यूट्रोफिल विद इन ट्वेंटी फोर आवर दैन नी विल हैव मोनोसाइड्स एंड माइक्रोफेज विद इन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स दैन हमारे पास लिफोसाइड्स और बाकी टाइप ऑफ सेल आएंगे मोनोसाइट रिप्लेस न्यूट्रोफिल इन 24 फोर टू फोर्टी एट आवर थर्ड स्टेप शॉर्ट लिव न्यूट्रोफिल अंडर गो अपॉप्टोसिस एंड डिसअपेयर आफ्टर फोर्टी एट ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स वेयर हेज मोनोसाइट सर्वाइव लॉन्गर देर आर एक्सेप्शन टू दिस पैटर्न फॉर एग्जाम्पल इन सूडोमोनास इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट अवर टू टू फोर डेज मीन्स के सूडोमोनास बैक्टीरिया के अंदर जब इन्फेक्शन होगा तब सिर्फ आपको न्यूट्रोफिल नजर आएंगे फॉर टू टू फोर डेज इन वायरल इन्फेक्शन वी लिम्फोसाइट्स And in some hypersensitivity reaction, we have just eosinophil. say is of eosinophilia. Then we will have the cellular event known as chemotaxis. After extravasation, leukocytes immigrate into tissue toward the site of injury. This locomotion is oriented along a chemical gradient, so it is labeled as chemotaxis. All granulocyte monocytes, and to a lesser extent, lymphocyte respond to a chemotactic stimuli with varying rate of speed. यानी कि जो ट्रांस माइग्रेशन हो गई है उसके बाद बाकी ग्रैनोलोसाइड्स मोनोसाइट्स को उस पॉइंट पे साइट ऑफ इंजरी पे अट्रैक्ट करने को हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कीमो अट्रैक्टेंट्स कहते हैं और इन सारे सेल्स का उस जगह पर आना इस प्रोसेस को हम कीमोटेक्सिस कहते हैं सब्सटेंसेस दैट कैन एक्ट एज एक कीमो अट्रैक्टेंट बहुत एंड एंडोजीनियस सब्सटांसिस कैन एक्ट दागी एज कीमो अट्रैक्टेंट exogenous substances which can act as chemoattractant bacterial products second endogenous substances which can act as chemotactants number one components of complementary system particularly c5a second is product of lipo lipoxygenase pathway mainly leukotriene b4 third is cytokines particularly interleukin 8 il8